और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामचंद्र भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। आवाजाही सब बंद हो गया, गांव पूरा सील कर दिया गया। अब जब 14 दिन बीत चुके और दोनों मरीज ठीक हो चुके हैं, उसके बाद भी और 14 दिन के लिए गांव को सील किया गया है। इससे यहां के दूध उत्पादक किसान हताश और परेशान होकर दूध बेचने दूध समिति लेकर गए, जहां प्रबंधक की आवाजाही बंद होने के कारण दूध नहीं ले पाने की व्यवस्था जताई, जिससे क्रोधित दूध विक्रेता किसान सरपंच प्रतिनिधि की समझाइश के बाद भी सारे दूध तालाब में बहा दिए। ब्लॉक के गोबर सिंघा में जहां तक आज दूध किसानों का सवाल है, उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि अपने दूध ले, अन्यथा वे इसके खिलाफ में अपना दूध को जो है तालाब में बहा दिए हैं। इस तरह से किसानों की मांग है कि 14 दिन तक तो क्वारंटीन में रहे हैं और गांव सील रहा है, लेकिन अत्यावश्यक सेवा होने के कारण से कम दूध की लेना चाहिए, जिससे लोगों की रोजी रोटी की जो समस्या है वो दूर हो सके। आखिर कब तक और कब तक दूध को अपने घर पर रखेंगे और उसका उपयोग नहीं होगा तो उनके जीवन यापन कैसे होगा। ग्राम पंचायत सरपंच में बोल रहा हूँ, राम सरपंच पति रामगोपाल पटेल। अपने गांव में पिछले 14 दिन से कंटेनर मतलब दूध गोबर सिंघा में लगा है और किसानों को दूध बेचने में कठिनाई हो रही है और किसान लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और अपने दूध को मतलब वो करने के लिए तालाब में मतलब क्या करेंगे। प्रशासन को एक टोहिन दिए हैं, मैंने इनको संदेश भी किया, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं और अपनी तकलीफ को दैनिक स्थिति को बताते हुए मेरे को अवगत करा रहे हैं। मैं शासन से क्या मांग करूँ, शासन मेरे से मजबूर हूँ और शासन ने अपना लगा दिया है। दूध विक्रेता किसानों का साफ साफ कहना था कि दूध भी आवश्यक सेवा में आता है, इसकी भी खरीदी की व्यवस्था प्रशासन करे। 14 दिन नुकसान सहकर भी खामोश रहे, मगर फिर 14 दिन बढ़ाए जाने के बाद भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 14 दिन के लॉकडाउन कई 14 दिन हो गए ना, अब दूध और सफा पानी में फेंका थे, दाना पानी कोढ़ा नहीं मिला थे, खरी नहीं मिला थे, का लखावा मुगा औरत ले जाए अपन, हमार लिहिता तो बन ही कछु नहीं मिला तो पैसा कौड़ी काम आते गोरस लग गायल पोसबो का समस्या, गोरस बेचात नहीं है, दाना कोढ़ा बर नहीं पातन, कुछ गरवा सब भूखन मरत है, तो सरकार ले जाए बोला हम का करबो। आवश्यक सेवा है कथे सरकार आ दूध ला लेत नहीं है और 9-10 लीटर दूध होते दिन भर में, ओला कतक ले पीबे की का करबे, फेकेज पर लागत है गा दूध के। मोर 30 लीटर दूध होते हैं, 30-40 लीटर लेत नहीं है, 14 दिन हो गए, 14 दिन 28 दिन अब कहते सरकार हमर पर अन्याय करत है, किसी तरह दूध ला ले या हमन ला फिर पोसे, गाय गरवा भूखन मरत है और ओकर बाद सब दूध ला ले लेके पानी में फेंकत हन किसान मन, तो सरकार कुछ न्याय करे ना गायकर वर्गा। दूध का ना कोई लेने वाला है और ना ही उपयोग करने वाला, सब बेकार जा रहा है। कुछ गरीब लोगों को दाना पानी और घर खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि गोबर सिंघा बीएमसी के क्षेत्र के 14 समितियों से 2600 लीटर से अधिक दूध प्रतिदिन देवभोग दुर्ग जाता है, जो कि सड़क पूरी तरह बंद होने से दूध गाड़ी नहीं पहुंच पा रहा। यदि बाकी गांवों को छोड़ भी दें तो अकेले गोबर सिंघा जो सभी तरफ से सीमाबंदी की गई है 500 लीटर से अधिक दूध होता है, जिसका खपत नहीं हो पा रहा। ऐसे हालात में अब इन दूध उत्पादक किसानों का परेशानी बढ़ रहा है, साथ ही उनकी मांग है कि प्रशासन उनकी व्यवस्था, उनकी मजबूरी और उनकी खामोशी सहित बदहाली को समझे और नियमित रूप से दूध को लेने के लिए व्यवस्था करे या दूध वाहन को आने जाने की अनुमति दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ कोरोना के फैलाव के लिए सीलबंदी और सख्ती भी जरूरी है, वहीं दूध जिसे तालाब में बहाने की नौबत आ रही है उसकी खरीदी की व्यवस्था भी हो, इसका आकलन कर प्रशासन को शीघ्र कदम उठाने की जरूरत है। गाड़ी घोड़ा नहीं आते जाते तो कैसे ले, काय करबो, कतक दूध होते, कतक खाबो पीबो, वो सरपंच मन ला पूछ ले भाई, कतक कतक दूध होते, रोज 10-10-20-20 लीटर दूध होते हरेक किसान के, सब ला पका थन और खर्चा आती पूछ ले बोला सरपंच पन मन ला ते हमला और लॉकडाउन रखे रहे छह महीने। लगभग 100 किसान सदस्य है, ओमन जेबन से 500 लीटर प्रतिदिन कलेक्शन होते, ओमन के सबके दूध फेंका थे रोज, और फिर हमारा आश्रित
ग्राम जोन और समिति से दूध आते हैं हमारे बीएमसी में, ओमन लगभग लगभग 1000 सदस्य हैं, ओमन के सबके दूध नुकसान होते हैं। इसने बहुत भारी समस्या है, किसान परेशान है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।